वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलमनगर स्टेशन से आज आलमनगर स्टेशन का लोकार्पण किया जा रहा है देश के रक्षा मंत्री और हमारे लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आलमनगर स्टेशन पर। तो आज आलमनगर स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। बोलिए, भारत माता की। बिल्डिंग को सजाया गया है, आप देख सकते हैं इधर भी कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के होर्डिंग्स लगे हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना, या शांत हो जाइए, अभी अभी जिनका आपने भाषण सुना और अपने काम के माध्यम से सचमुच जो उन्होंने लोकप्रियता जन सामान्य में हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। हमारे मित्र माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं। सड़क परिवहन, यहाँ पर सर्कुलेटिंग एरिया आप देख सकते हैं, पेड़ लगा दिए गए बकायदा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष पाठक जी, भारत सरकार के मंत्री श्री कौशल किशोर जी और मंत्री जनरल वी के सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री अरुण जी, समाज कल्याण मंत्री श्रीमती सुषमा खंडवाल, महापौर श्री अशोक जी वाजपेयी, श्री सुब्रत जी पाठक, हमारे बिल्डिंग सजी है, शाम का समय हो रहा है। श्री मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद नवाब जी, नीरज बोरा जी विधायक, विधायक श्रीमती जय देवी विधायक, श्री अमरीश कुमार जी और हमारे किसान यूनियन के श्री राजीव गुप्ता, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों। रेखा हम लोगों ने आज के कई वर्ष पहले तैयार की थी, और जो रूपरेखा तैयार की थी उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, और उसी श्रृंखला में आज दसवें फ्लाईओवर और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मिशन इन दोनों का एक भरपूर योगदान है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मेरे बहनों भाई, योगी जी ने एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में वह पूर्ण प्रयोग के साथ लगे हुए हैं। मैं अभी अभी उनसे यह पूछ रहा था, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर $1 trillion करने का जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है, अभी तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितने की है, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी। लेकिन जिस तेजी से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, और हमारे मित्र नितिन गडकरी जी का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहयोग प्राप्त हो रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ रिवॉल्यूशन लाने में कामयाबी हासिल की है। एक आधारभूत ढांचा बढ़ाने में क्रांति लाने का काम इन्होंने किया है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के द्वारा भी हमारे नितिन जी का एक बार हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। 2047 तक मेरे मित्रों, हम अपने देश की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया के सभी देशों से बड़ा करना चाहते हैं, यह हम लोगों का लक्ष्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि किस तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही यदि आगे बढ़ रहा था तो हमें उस लक्ष्य को हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यह करिश्मा देखिए कि 2013-2014 में इकॉनमी ईसाई यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर हुआ करता था,
नौ वर्ष के अंदर ही वह जंप लेकर दुनिया के 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया है। यह करिश्मा नहीं है तो क्या है? और भी देखा जाए परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में तो हमारा भारत आज ही तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, आज ही पहुंच चुका है। और एक मानी जानी फर्म, दुनिया की मानी जानी फर्म, वित्तीय फर्म है, फाइनेंशियल फर्म है, मॉर्गन स्टेनले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है ज्यादा समय नहीं लगेगा बल्कि 4 वर्षों के अंदर ही यानी 2087 आते आते भारत की इकॉनमी दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी, यह विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह लखनऊ, यह सबसे बेहतरीन शहरों में हो, यह हमारा लक्ष्य है यहां का सांसद होने के कारण। और वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। और आपके यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ है। मुझे एक बात भी आज याद नहीं कि जो मैंने कहा हो क्षण भर की विलंब नहीं आती, चाहे हमारे योगी जी हों चाहे नितिन जी हों, क्षण भर की देर नहीं लगाई है, उन्होंने तुरंत उसे उस पर काम करने का उन्होंने आदेश दे दिया है कि कार्रवाई इस संबंध में प्रारंभ की जाए। और ये छोटी बात नहीं है मित्रों, यह वेटिंग हॉल देख सकते हैं कितना बड़ा वेटिंग हॉल एरिया ये यहाँ पर दिया गया है। इधर टिकट काउंटर हो जाएगा। तो आलम नगर सैटेलाइट स्टेशन का जो लोकार्पण हो रहा है उसका कार्यक्रम चल रहा है। मुख्य कार्यक्रम मार्शी यूनिवर्सिटी में हो रहा है जो IIM रोड पर है। और यहाँ पर इस प्रकार से समय सारणी है, यहाँ पर इधर हमारा टिकट काउंटर हो गया, इधर अनरिजर्व टिकट काउंटर है, फिर इधर हमारा रिजर्वेशन वाला काउंटर हो जाएगा। टिकट काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं और इस तरह से यहाँ पर पूरा ये काफ़ी बड़ा एरिया है जिसमें लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। तो पंखे वगैरह सब चल रहे हैं, फॉल सीलिंग सब बन गई है, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है। बाहर यहाँ पर आप देखिए गाड़ी खड़े करने की भी पर्याप्त यहाँ पर जगह है, स्पेस काफ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी ही बिल्डिंग को सजाया गया है और बाहर इस तरह से गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्डिंग है आलम नगर स्टेशन की। इससे अनावश्यक रूप से 4 बार रेलवे स्टेशन में आवागमन नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी से भी यात्रा किया था, लेकिन उन्होंने कहा भाई साहब इस समय हमारी व्यवस्था है, बेहतर यह होगा कि आप ही लोगों के हाथों से उसका लोकार्पण हो। इसके साथ ही आज लखनऊ मध्य कैंट पूरब उत्तर और पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में कुल लगभग 45 करोड़ लागत से स्वीकृत एक एक कम्युनिटी कम कल्चरल सेंटर का भी शिलान्यास किया गया है। तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इसका शेल्टर आप देख सकते हैं कितना बड़ा शेल्टर यहाँ पर बनाया गया है। पंखे सब चल रहे हैं, इसी के नीचे मुख्य कार्यक्रम चल रहा है लोकार्पण का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इधर स्क्रीन पीछे लगी हुई है जिसके पीछे जनता बैठी है और इधर से बाहर जाने का रास्ता हो जाएगा। पूरा स्टेशन अब कंप्लीट हो गया है तो इसका आज लोकार्पण हो रहा है। और साथ ही साथ जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 नए प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए गए थे, ट्रैक सिग्नल्स जल रहे हैं, सामने हरदोई की दिशा हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंप्लीट हो गई हैं यहाँ पर और इसका लोकार्पण हो रहा है। जैसा अभी राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि
कई ट्रेन के और स्टॉप यहाँ पर दिए जाएंगे आलमनगर स्टेशन पर, ताकि जो मुख्य चारबाग है हमारा उसका लोड कम हो। तो लखनऊ चारबाग का लोड काफ़ी हद तक कम हो जाए वहाँ पर फुटफॉल, जो यात्री ट्रेन पकड़ने अभी लखनऊ चारबाग जा रहे हैं यहाँ से, उनको यहीं पर ट्रेन मिल जाएगी। आलमनगर पर स्टॉप दिया जाएगा, 2 मिनट का ठहराव दिया जाएगा यहाँ पर भविष्य में आने वाले समय में, तो ये एक अतिरिक्त सुविधा हो जाएगी। इधर रेलवे सुरक्षा पोस्ट की हमारी जो नई चौकी है वो बनाई गई है, पूरा ही प्लेटफॉर्म नया निर्माण यहाँ पर किया गया है, जिसका आज लोकार्पण कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद श्री राजनाथ सिंह। मुख्य कार्यक्रम जो है वो IIM रोड पर हो रहा है, महर्षि यूनिवर्सिटी में। नितिन गडकरी जी भी वहीं पहुँचे हुए हैं और सभी मंत्री वहीं पर हैं, राजनाथ सिंह जी भी वहीं पर हैं। यहाँ पर स्क्रीन से प्रसारण हो रहा है, वहाँ से इसको जोड़ा गया है, तो काफ़ी बड़ा शेल्टर यहाँ पर देखिए लगा है। कुछ इसी प्रकार का शेल्टर डालीगंज जंक्शन पर भी बनना चाहिए, जो मुख्य बिल्डिंग है उसके बाहर जब आप आते हैं तो कोई शेल्टर वहाँ पर नहीं है, उसको भी हो सकता है आने वाले समय में इसी प्रकार से डेवलप किया जाए। इधर से आप देखिए पूरे लोग बैठे हैं, जो लोकल्स हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर, और लखनऊ के लोकप्रिय सांसद रेलवे के अधिकारी सारे बैठे हुए हैं। इनको कहते हैं कि लखनऊ के आन बान शान और लखनऊ वासियों के अभिमान, ऐसे परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उनकी उपस्थिति के लिए इस कार्यक्रम में। हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम में उपस्थिति रही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की, उनका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी एक नई पहचान बनाकर उत्तर प्रदेश वासियों का पूरा देश और विश्व में मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री आदरणीय बीके सिंह जी का और आदरणीय कौशल किशोर जी का उनकी उपस्थिति के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, असीम अरुण जी का भी आज के कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक और अशोक वाजपेयी जी, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की उपस्थिति के लिए। गरिमामयी कार्यक्रम में आप सभी के जुड़ने के लिए आप सभी को हृदय तल से आभार। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। और आज के इस कार्यक्रम में जो आलमनगर स्टेशन पर यहाँ पर आयोजित किया गया, उसमें पधारे हुए समस्त माननीय अतिथिगणों का, क्षेत्रीय